हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक्स बिरयानी, यू मेक योरसेल्फ यूनिक। दोस्तों, आप सबकी बड़ी ढेर सारी क्वेरीज थी। क्वेरीज ये थी कि सर, आपने बोला इस तरीके से अप्लाई करो तो कॉल्स आएंगी। हम लोगों ने अप्लाई किया इंडीड और नौकरी पे, और हमें 100 में से 98 फेक कॉल्स मिले, केवल 2 ओरिजिनल कॉल मिले। और इसकी वजह से आप सब परेशान थे कि सर, इस तरीके से अगर होगा और ओरिजिनल कॉल में भी लोगों की रिक्वायरमेंट कुछ और रहती है और हमारे पास स्किल कुछ और रहती है, इस तरीके से होगा तो हम कैसे पहुंच पाएंगे सही प्लेटफॉर्म तक। दूसरी चीज, मुझे इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस ये था कि कई लोगों को मैंने देखा, मेल आपको भेजते होंगे, आप भी देखते होंगे, LNT का ऑफर लेटर दिलवा देंगे आपको, उसमें 8,000 रुपये पेड करो तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे, 5,000 रुपये करो तो DLF में करवा देंगे। आप सबको बता दूं, आज वो सारे के सारे फ्रॉड होते हैं कि पैसा लेके जॉब कभी भी कंपनी नहीं देती है। सोचो यार, LNT इतनी बड़ी कंपनी है, DLF इतनी बड़ी कंपनी है, और एक राइट्स इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां तुमसे 5-6 हज़ार रुपये लेंगी, और वो भी एक अच्छे एम्प्लॉय को पाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, ये सारे फेक हैं। 100 रुपीज भी ले रहे हैं तो भी वो फेक हैं, क्योंकि वो 100 भी नहीं लेते वो। तो आपको समझने की जरूरत है कि वो अगर पैसे मांग रहे हैं, समझ जाओ तुरंत ये फ्रॉड है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर, जब ये फ्रॉड इसको आपने बोल दिया, अब नया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? नया प्लेटफॉर्म आपका LinkedIn हो सकता है। LinkedIn पे आप सब देखते होंगे कि LinkedIn जो है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। LinkedIn में कई लोग चला भी रहे होंगे, कई लोगों ने अभी ID नहीं बनाई होगी, बहुत ही नॉर्मल है। Facebook की तरह ID बनाना है आपको LinkedIn पे, Gmail होगा तो Gmail से अटैच कर सकते हैं आपके पास, और उसके बाद उसमें एक अलग से टैब आता है LinkedIn जॉब सर्च, चाहे तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, वो एक ऐप भी है LinkedIn जॉब सर्च। अदरवाइज LinkedIn के भी प्रोफाइल में ही ऊपर सर्च बॉक्स होता है, सर्च बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सर्च कर लीजिए। क्या सर्च करना है? सिविल इंजीनियरिंग जॉब इन पुणे, सिविल इंजीनियरिंग जॉब इन दिल्ली, सिविल इंजीनियरिंग जॉब इन गाजियाबाद, वेर यू वॉन्ट यू कैन जस्ट पुट देयर इन सर्च बॉक्स। अब उसके अकॉर्डिंग आपको ओपनिंग्स दिखने लगेंगी। उसके अलावा मान लो कि आपको दिखा है कि यहाँ पे इतनी ही ओपनिंग्स है और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं मिल रही है, आपके पास जो स्किल है वो स्किल डाल दीजिए और लोकेशन डाल दीजिए, उस स्किल से रिलेटेड जितनी जॉब्स रहेंगी नीचे आ जाएंगे। प्रॉपर आपको LinkedIn लेके जाता है उनके वेबसाइट पे, और उनके वेबसाइट पे आपको प्रॉपर ID बनानी पड़ेगी। मतलब एक अप्लाई करने में, हमें कई बार लोगों को देखा हूँ कि लोग बोर हो जाता है, अरे सर बहुत बड़ा फॉर्म भरवाने पड़ता है। जो बड़ा सा फॉर्म भरवा रहे हैं ना, वही ओरिजिनल है एक्चुअली, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाइए, वो प्रॉपर वेबसाइट पे अपने फिल करवाएंगे, रिज्यूम डाटा वगैरह वगैरह सब कुछ भरवाएंगे आपको, और भरवाने के बाद आपको अप्लाई कर देते हैं। ये समझिए कि अगर आज आपने अप्लाई किया तो कम से कम 30 डेज के बाद ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वेबसाइट पे से वेबसाइट क्या डेवलपर देखता है, डेवलपर जब कंपनी को देगा कितने रिज्यूम आए हैं, तब जाके कंपनी उस पर कोई एक्शन लेती है। तो ये मत समझिए कि आज ही कुछ होते हैं जो क्विक, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुरंत कंपनी ने कॉल किया, जल्दी बताओ कितने लोग आए तो ठीक है, बट मैक्सिमम केस में आपको 30 डेज तो भूल जाना चाहिए कि हमको 30 डेज में कोई रिस्पॉन्स आने वाला है। अब आप सोचोगे सर, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं, आज के आज आप 10 जगहों पर अप्लाई कर सकते हो। LinkedIn आज ही प्रोफाइल बनाओ जिसकी बनी है, और तुरंत सर्च बॉक्स पर जाओ कर लो। अब दूसरी चीज, आप जब LinkedIn की प्रोफाइल बना रहे हैं, वहाँ पर जाएंगे तो आपको अप्लाई तो आपने कर दिया, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं वहाँ पे? वहाँ पे थोड़ा सा अपना प्रेजेंस बनाना पड़ेगा। प्रेजेंस कैसे बनता है दोस्तों? प्रेजेंस बनाने के लिए आपके 1-2 पोस्टर्स अपलोड होते रहने चाहिए, जैसे मेरे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो क्या होता है, लोगों को पता होता है कि आकाश पांडे यहाँ पे वीडियो डालते रहते हैं। जो भी मेरे कनेक्शन में है, लगभग 6 या 7 हज़ार लोग हैं, मीन्स नहीं, 7,000 लोग वहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हैं LinkedIn पे। और आपके पास, आप उन्हीं लोगों को कनेक्ट करो जो HR हैं कंपनीज के, और जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड इंजीनियर है। जैसे कि मेरे प्रोफाइल में बहुत ढेर सारे बीम इंजीनियर हैं, बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, मीन्स 2-2, 3-3 हज़ार लोग हैं, और उसके अलावा 1,000 तो HR है उसमें, अलग अलग कंपनियों के HR हैं। इनको मैंने फॉलो क्यों कर रखा है और इन्होंने मुझे क्यों फॉलो कर रखा है? इन्होंने मुझे फॉलो इसलिए क्योंकि मैं ओपनिंग्स जो भी मेरे पास आती है मैं शेयर करता हूँ, और मैंने भी इनको इसीलिए कर रखा है कि जब भी ये ओपनिंग्स डालते हैं मुझे दिख जाता है। तो ये हमें रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा। जैसे हम फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे क्या होता है कि हमको फालतू के प्रोपोगंडे ज़्यादा दिखते हैं तो मज़ा आता है। यहाँ पे फालतू के प्रोपोगंडे आपको नहीं दिखेंगे, और प्लीज़ आप भी मत शेयर करना फालतू के प्रोपोगंडे, सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट डालना, एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालना। और अगर ऐसा करते हो तो डेफिनेटली वो देखते हैं, यार ये बंदा डेली कुछ ना कुछ सिविल के बारे में बताता है या कुछ नया चीज़ अपलोड करता है,
और साथ ही साथ अपनी जो प्रोफाइल बनाना, इतनी सॉलिड बनाना अपना कॉलेज, अपनी स्किल्स, क्या क्या स्किल्स हैं तुम्हारे पास, स्किल्स को बहुत अच्छे से करना। एक दिन मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दूंगा। तो आज के आज आप लिंक्डइन जॉब पे जाइए और उसको सर्च करके आज कंप्लीट प्रोफाइल बना डालिए, और डेफिनेटली ये देखिएगा कि आपको 100 में से 50 कॉल्स तो ओरिजिनल मिलेंगी। मैं ही नहीं कहता कि सारे कॉल्स ओरिजिनल मिलेंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि वो लोग बड़े साथी रहे तो कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी भी कम पहुंचे हैं, इसलिए आपके पास मौका है। और आप अभी से अगर अपलोड करेंगे अपनी अलग अलग जगह पर अप्लाई करेंगे, मैंने कई बार एक दो बार मुझे गुड़गांव से ऑप्शन आया था, वहाँ पे कैसे आया मुझे, वहाँ पे लिंक्डइन पे ही मैंने वीडियोस डाले थे और साथ ही साथ अपने पोस्टर्स में डालता रहता हूँ जो भी मैं सीखता हूँ या जो भी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था, आर यू इंटरेस्टेड फॉर BIM जॉब? मैंने बोला ओके, व्हाट्स द प्रोफाइल? मैंने उनसे पूछा तो दे सेड लाइक दैट इज रिलेटेड टू BIM एंड लाइक वो प्रोफाइल के बारे में बताया उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको अप्लाई भी किया। बट बाद में मुझे गुड़गांव नहीं जाना था, कुछ रीजंस थे तो मैंने नहीं किया। बट मैंने देखा कि यार मुझे कुछ नहीं करना था, मैं तो सिर्फ अप्लाई कर रहा था। और प्लस कई लोग ऐसे अप्लाई भेजते रहते हैं कि आई हैव टू ओपनिंग्स रिलेटेड टू दिस, और वहाँ पे नीचे मेल आईडी डालते रहते हैं, हु इज इंटरेस्टेड कमेंट, आप कमेंट कर दो उनको। अब क्या होगा, जब कमेंट आप करते हो तो उसे फायदा क्या होता है, आपके प्रोफाइल पे वो जाते हैं। आपके प्रोफाइल पे जब वो जाएंगे तो देखेंगे अच्छा इसने क्या पढ़ा है, क्या क्या नॉलेज है इसको, सारा कुछ देखेंगे। अब एचआर ने अगर ये सारा कुछ देखा तो हो सकता है उसको इंटरेस्ट आए आप पे, क्योंकि आप पे मतलब गलत मत लेना, इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी लगी तो, अगर प्रोफाइल आपकी अच्छी लगी तो क्या करेगा सामने वाला आपको कॉल करेगा, और कॉल करेगा तो आपका अच्छा काम हो जाएगा। ये मैं जानता हूँ कि 50% आपको ओरिजिनल कॉल मिलेंगे लिंक्डइन पे, और दूसरी चीज कम से कम उसमें से 30% MNC की कॉल होगी। ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि लिंक्डइन से जितने लोग जुड़े हैं सबके सब मैक्सिमम MNC क्लाइंट्स हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा और मैं सोचा कि आपने सारे सब्सक्राइबर के साथ भी इसको शेयर करूँ। और प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करना। और एक चीज और, अगर आपको चाहिए प्रोफाइल अच्छे से कैसे बनाना है तो नीचे कमेंट करना कि सर बताइए कैसे सबसे अच्छी प्रोफाइल बनाना है, तो डेफिनेटली उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और दूसरी चीज, आप लोग सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हो यार, थोड़ा और शेयर करो तो मैं आपको और भी बहुत ढेर सारी चीजें बताने वाला हूँ, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आप सोच रहे हो कि सर मैं ये सब कहाँ से करता हूँ, यार मैं डेली इस सबसे कुछ सीखता हूँ, ठीक है, और मेरा ये डेली का काम है, तो जो भी मेरा डेली का काम है वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सपोर्ट करना। और कुछ लोग मैनुअल डिज़ाइन के बारे में बात कर रहे थे और टेक्ला के बारे में बात कर रहे थे कि सर मैनुअल डिज़ाइन बताइए। ऐसा नहीं कि मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं देता, मैक्सिमम रिप्लाई मैं देता हूँ, आपने भी देखा होगा। दोस्तों मैनुअल मैं करूँगा 10K सब्सक्राइबर के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स यार अगर मैं एनर्जी लगाता हूँ, मीन्स मैनुअल के लिए मैं सोच रहा हूँ बोर्ड लेना पड़ेगा, उसके अलावा ऐसे नहीं हो पाएगा, कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं इतना इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा जब मुझे कुछ गेन होगा। तो मुझे 10K सब्सक्राइबर आप लोग दो, हेल्प करो। कैसे कैसे करोगे, 20-20, 25-25 सब्सक्राइबर एक एक लोग दोगे तभी कितना हो जाएगा, 7 × 20, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, 20 सब्सक्राइबर आपके फ्रेंड तो रहते ही रहते हैं। तो इस तरीके से, और दूसरी चीज़ टेक्ला मैंने इसलिए नहीं, अभी इसके आगे मैंने इसलिए सिर्फ ट्यूटोरियल नहीं डाला क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स यार पॉजिटिव नहीं मिला। मैंने इतने अच्छे अच्छे एजुकेशन के, आपने देखा होगा इतनी सारी चीज़ें, अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप सब कुछ पेड मिलता है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ शेयर करता हूँ, बट फिर भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो रिस्पॉन्स आप सबको देना था। तो बस वो रिस्पॉन्स दीजिएगा, जैसे मुझे लगेगा नहीं आपने रिस्पॉन्स दिया है डेफिनेटली मैं आपके लिए फिर से वो वीडियोज तैयार करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको फिर से यार शेयर कर देना लोगों के साथ। और दूसरी चीज़, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।